आज मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके बारे में आप अपना कुछ विचार बताएं, ये कार्यक्रम करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए कि नहीं, इससे क्या फायदा कुछ? सबसे पहले तो हमारे आज़ादी के जनक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे नेताजी को नमन। हमारे नेताजी कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और उन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराया। कालांतर पर आज हमारे समाज में रक्त की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, और समय समय पर कुछ स्थितियां ऐसी बनती है कि वहाँ रक्त का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज जो ये शिविर लगा है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, इस शिविर से जो आज उत्साहजनक जो रिजल्ट आया है, ये बहुत ही समाज के लिए प्रेरणादायक रहेगा। खासकर नवयुवक का योगदान जो देखा गया आज के रक्तदान शिविर में, वो बहुत ही अपने को उल्लासित करते हुए नजर आ रहा है, और आने वाले समय में जब रक्तदान शिविर लगेगा तो मैं ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि बहुतात के संख्या में नवयुवक रक्तदान करने के लिए आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम विनोद पापना। आज मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जो रक्तदान शिविर लगाया गया, इस बारे में आप बताएं कुछ हम लोगों को। आज मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हमारी शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया, खासकर युवाओं में रक्तदान के लिए काफ़ी उत्साह दिखा। शिविर में कुल 70 रक्तदाताओं ने भाग लिया, परंतु 5 रक्तदाता किसी कारणवश छट गए। कुल 65 यूनिट रक्तदान हुआ और कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सूरज मंसारी, धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, आपने इसके पहले भी पहले कभी रक्तदान किया था? नहीं, ये मेरा पहली बार रक्तदान किया था। आपको आज रक्तदान कर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत लाभ पहुँचता है, तो इसीलिए मैं सबसे आवेदन करना चाहूँगी आप लोग भी हर साल ब्लड डोनेट करें। आज मारवाड़ी युवा मंच शाखा मुरलीगंज द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें ये दोनों आज प्रथम बार रक्तदान किए हैं। हम बात करते हैं इन दोनों से कि रक्तदान कर कैसा लगा इन दोनों को। आप दोनों को आज रक्तदान कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, रक्तदान करना चाहिए सभी को। क्या बोले? रक्तदान करना चाहिए सभी को, बहुत अच्छा लगा। आगे फिर आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोग रक्तदान करेंगे? जरूर करेंगे। आपको रक्तदान कर कैसा लगा? अच्छा लगा। आगे आपको दोबारा कहीं मौका लगेगा कहीं भी या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देने का, तो आप रक्तदान देंगे? आपका नाम? रौनक। रौनक चौधरी। आपका नाम? अनुज कुमार।